एक बात देखो प्रेस वालों की, मैं यात्रा में चल रहा हूं, मैं टी शर्ट में हूं, मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे चलते हैं, वो फटी शर्ट में होते हैं, उनकी पूरी टी शर्ट भी नहीं होती, मगर इन मीडिया वालों में से एक भी ये नहीं कहता भैया हिंदुस्तान में किसान का बेटा बिना टी शर्ट बिना स्वेटर के क्यों घूम रहा है, ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे भैया ये मजदूर है ये टी शर्ट में क्यों घूम रहा है, ये किसान है ये स्वेटर बिना जैकेट बिना क्यों घूम रहा है, ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे, ये सच्चा सवाल है। मेरे टी शर्ट वाला सच्चा सवाल नहीं है, सच्चा सवाल यह है कि हिंदुस्तान के बच्चे, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर टी शर्ट में सर्दी में क्यों घूम रहे हैं, यह सवाल है। एक रास्ता था युवाओं के लिए अग्निवीर वाला, उसमें क्या था, सुबह युवा उठते थे, 4 बजे उठते थे, दौड़ते थे, यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे, देश की रक्षा करने के लिए दौड़ते थे, और सपना था एक दिन बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे, तिरंगे की रक्षा करेंगे, सपना था। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नया हिंदुस्तान। और जब युवाओं ने कहा कि हमें यह अच्छा नहीं लगा, और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। भाइयों और बहनों, बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की पॉलिसी है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, कोविड के समय जो इन्होंने किया, ये सारे की सारी पॉलिसियां किसान को, मजदूर को डराने के लिए, क्योंकि ये जानते हैं जब ये डर फैलाते हैं उस डर को नफरत में बदलना बहुत आसान होता है। ये इनका काम है, जनता को डराओ, किसान को डराओ, मजदूर को डराओ, युवा को डराओ और उसके डर को नफरत में बदल दो। डरो मत,